भारत के साथ साथ दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हैं। दुनिया में अब तक 29 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं और ये वायरस 54 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में कोविड-19 के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 49 लाख से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के नए मामलों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। 24 घंटे की अगर बात करें तो 58,097 नए मामले दर्ज किए गए। कुल संक्रमितों की संख्या करोड़ों के पार पहुंच गई है और सक्रिय मरीजों की संख्या भी 2 लाख के पार पहुंच गई है। पूरे देश में अभी एक्टिव जो मामले हैं वो भी 2 लाख से ऊपर है और एक दिन में अगर बात करें तो 15,389 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और यहां आपको बता दें कि करोड़ों की संख्या में ही लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। देश में अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 98.01% रिकवरी रेट है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लापरवाही के बीच देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत है? क्या देश लॉकडाउन की ओर बढ़ा है? देश में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए केस है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी 2 लाख से ऊपर है। दिन में 15,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट 98 से ऊपर है। एक दिन में 500 से ज्यादा मौत भी हुई है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।